नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं जुडिशरी गोल्ड चैनल। आज की जो ये कहानी है ये एक ऐसे सन की तानाशाह के बारे में है जो ना केवल अपने विरोधियों को मारा करता था बल्कि मारने के बाद उनको खाया भी करता था। वैसे तो आपने कई सारे तानाशाहों की कहानी सुनी होगी, सब अपने अलग अलग बर्बर तरीकों के लिए जाने भी जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी आमीन के बारे में। इस कहानी की जो शुरुआत है वो लगभग होती है सन 1960 के दशक से, जब एक युगांडा नाम का जो देश है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी से आज़ाद होता है। इसके बाद उस युगांडा देश में एक ओबोटे नाम के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और वही प्रेसिडेंट एक आदमी को आर्मी जनरल नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है ईदी आमीन। जब मैं बात करता हूँ इस आर्मी जनरल की तो ये ब्रिटिश आर्मी में भी एक अच्छा खासा आर्मी का ऑफिसर रहा था, यानी इस देश के आज़ाद होने से पहले भी ये एक आर्मी अधिकारी रह चुका था ब्रिटिश आर्मी का। और उस दौरान भी ऐसा बोला जाता है, अगर मैं इसकी पर्सनालिटी की बात करूं तो ईदी आमीन जो कि एक 6 फुट 3 इंच 130 से 140 किलो वजनीय 18 कट्टा नौजवान और प्रीवियस नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन रहा, तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑरा था, इसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत करिश्मेटिक थी। ना केवल लोग इससे डरते थे बल्कि इसकी इज्जत भी करते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ओबोटे ने इसको युगांडा का आर्मी जनरल नियुक्त किया। अब ओबोटे जानता था कि कहीं ना कहीं अगर मैं युगांडा जैसे देश पर अपना सत्ता, अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता हूं तो मुझे ईदी आमीन जैसे अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी। पर ईदी आमीन के मंसूबे कुछ और थे। ईदी आमीन दिमाग से बहुत तेज था, वो कहीं ना कहीं जानता था अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में और बस वो एक मौके की तलाश कर रहा था। और जब तक ओबोटे को ईदी आमीन के मंसूबों के बारे में पता चल पाता कि ईदी आमीन क्या चाहता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये लगभग बात है सन 1969 की, जब ओबोटे सिंगापुर गए थे किसी विदेशी दौरे पे युगांडा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक उसी दौरान बोलते हैं कि ईदी आमीन ने अपनी आर्मी की मदद से पूरे युगांडा देश पे कंट्रोल ले लिया था। और ऐसा कहा जाता है लगभग 3 से 4 घंटे लगे थे महज ईदी आमीन को पूरे देश को कंट्रोल करने में। आप सोच सकते हैं कितने प्रभावशाली तरीके से उसने देश को अपने कंट्रोल में लिया होगा। अब चूंकि कहीं ना कहीं ओबोटे जानते थे कि देश उनके हाथ से निकल चुका है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा इवन हुआ भी था कि लगभग 8 साल तक ओबोटे अपने ही देश कभी लौट के नहीं आ सके। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर था कि अगर वो कभी लौट के आए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। और यहीं से शुरू होता है ईदी आमीन की बर्बरता का दौर। ऐसा बोलते हैं कि ईदी आमीन को कहीं ना कहीं ये मालूम था कि उसने ये जो सत्ता हासिल करी है वो बंदूक की नोक पे की है और उसने ओबोटे को सत्ता से उखाड़ फेंका है, तो उसे भी ये डर लगता था कि जिस तरीके से उसने ओबोटे को हटाया है कोई उसे भी हटा सकता है। तो ये जो शक था, ये जो डर था, इसी से शुरू होता है कत्लेआम का दौर। एक एक करके वो हर आवाज़ जो कि ईदी आमीन के खिलाफ खड़ी हुई, एक एक करके वो हर आवाज़ जो कि ओबोटे के समर्थन में थी, उन सब आवाज़ को उसने दबाना शुरू किया। अब ईदी आमीन के जो मारने के तरीके थे वो काफ़ी बर्बर तरीके माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईदी आमीन का जो महल था उस महल से एक सुरंग निकली हुई थी, वो सुरंग जाती थी वहीं के पास में जेल में। कई बार रात को 2-2.5 बजे ये जेल में जाता और हथौड़ों से किसी भी कैदी को निकाल के हथौड़े से मार मार के उसको हत्या कर देता था। इसका जो टेरर था, इसका जो क्रूर तरीका था, ये यहीं तक सीमित नहीं था। कई बार ये अपने विरोधियों के हाथ पांव कटवा देता और उनको मगरमच्छ के बीच में डाल देता। तो ऐसे ही जो तरीके थे, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इसका एक भय फैला हुआ था। और यहाँ तक तो फिर भी बात ठीक थी, लोगों को मरवाने तक ऐसे कई सारे एविडेंसेस मिले हैं डॉक्यूमेंट्री में। कई सारे जो ईदी आमीन के करीबी लोग हैं
उन्होंने भी इस बात का दावा किया है कि ईदी आमीन जो व्यक्ति मरते हैं, जिनको मारता था, उनको ये खाया भी करता था, उनके अंग का ये सेवन भी करता था। ऐसा ही एक किस्सा है, ईदी आमीन की एक वाइफ थी। वैसे अगर देखा जाए तो ईदी आमीन की लगभग 6 बीवियाँ थी, जिससे लगभग 15 से 16 बच्चे थे। तो उसमें जो दूसरे नंबर की इसकी बीवी थी, जिसका नाम के था, ये केव इसकी ऐसी बीवी थी जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेम भी रखता था। और कहीं ना कहीं इसका अगर आप घर की बात करोगे तो ईदी आमीन के घर के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर था, जिसके जहाँ जाने की सबको मनाही थी, पर केव के अंदर एक क्यूरोसिटी थी कि किसी तरीके से वो एक बार चैम्बर के अंदर देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है कि ईदी आमीन जाने नहीं देता। तो केव ने एक दिन वहीं के सिक्योरिटी गार्ड पर दबाव बनाया उस चैम्बर को खोलने के लिए। शुरुआत में जब चैम्बर खोला तो सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा दिख रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। और उसकी जो वाइफ है वो बड़े उसमें पड़ गई कि यार यहाँ अंदर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, हालांकि जिस समय ये हो रहा था उस समय ईदी आमीन उस महल में मौजूद नहीं था। अब जैसे ही केव अंदर जाती है तो वो देखती है कि 2 रेफ्रिजरेटर हैं। तब तक उसको सब कुछ नॉर्मल लगता है। जैसे ही वो उन रेफ्रिजरेटर को खुलवाती है, उसकी आँख फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि अंदर कई सारे इंसानी सर रखे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, कई सारे इंसानी अंग रखे हुए हैं। इस बात को जब वो देखती है कि ये सब कुछ रखा हुआ है, तो वो वाकई में बहुत डर जाती है। और वो वहीं सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, क्या वाकई में ये मतलब ईदी आमीन इनका मतलब सेवन करता है? तो जो गार्ड है वो बोलता है, जी हाँ, कई बार ये अंग उनके लिए बनाए जाते हैं खाने के लिए। अब इस बात के पीछे भी एक वजह है। जब आप डॉक्यूमेंट्री अगर इसकी देखेंगे तो ईदी आमीन का जो जन्म हुआ है वो एक काकवा ट्राइब में हुआ है। अब काकवा ट्राइब में इसका जन्म हुआ, इसकी परवरिश भले ही इस्लाम धर्म में हुई हो, लेकिन काकवा ट्राइब की एक प्रथा थी कि जब भी ये लोग जंगल में जाके शिकार करते थे, काकवा ट्राइब वाले लोग, तो वो हमेशा अपने शिकार पे थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लेके चख लेते थे। ऐसा उनका कहना था कि ऐसा करने पे जो भी अपने शिकार को मारने का जो गुनाह है वो उनका माफ़ कर देता है। ठीक है, तो ये जो प्रथा है ईदी आमीन इसको अभी तक मानता था, इसलिए वो कई बार जो है अपने दुश्मनों का जिसको भी वो मरवाता था उनका हल्का सा मांस चखता था। अब अगर आप इस कहानी को आगे सुनेंगे तो थोड़ा आपको खुद समझ में आएगा। एक बार एक इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर ने पूछा भी था ईदी आमीन से, क्या ये बात सच है जो अंतर्राष्ट्रीय लोगों में फैली हुई है कि आप मांस का सेवन करते हैं, वो भी इंसानी? तो उसने बोला था कि हाँ, जो इंसानी मांस है वो चीते के मांस से थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन होता है। ये स्टेटमेंट जैसे ही ईदी आमीन ने दिया था, इंटरव्यू के पांव से ज़मीन खिसक गई थी। तो ऐसे कई सारे मतलब हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिन पर ये साबित होता है कि ईदी आमीन कहीं ना कहीं जो है इंसानी मांस का भक्षण करता था। ऐसा एक और किस्सा है कि ईदी आमीन चूँकि बंदूक की नोक पर इसने सत्ता हासिल की थी, तो इसके अंदर एक डर था, एक सनक था, एक डर था, और हमेशा ये मतलब कोशिश करता था कि कोई भी आवाज़ इसके खिलाफ उठ रही है तो उसे दबा दिया जाए। अब जब इसने युगांडा देश पर कब्ज़ा किया था, जब इसने खुद को प्रेसिडेंट बनाया था, तो आर्मी जनरल की जगह इसने अपने ही भाई को बिठाया था। और ऐसा कहते हैं कि इसको इसके भाई से भी डर लगता था कि कहीं इसका भाई सत्ता इसको हटा के ना हासिल कर ले, तो इसने अपने भाई को ही जान से मार दिया था। और ऐसा बोलते हैं कि जब इसके भाई की लाश हॉस्पिटल में थी तो अचानक से अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ में रात को 2:30 बजे आता है और डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लगभग 2 घंटे ये उस डेड बॉडी के साथ में था, और जैसे ही ईदी आमीन वापस अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ लौटता है, डॉक्टर देखते हैं उस डेड बॉडी को और उसमें से कुछ अंग गायब होते हैं। तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जो ये साबित करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं ये अपने काकवा ट्राइब की रीति को फॉलो करते हुए मांस के टुकड़े खाता था अपने विरोधियों की लाश के। तो ये ईदी आमीन के बारे में है। अब चूंकि इसका अगर आप एक और स्वभाव देखो, ये काफ़ी शक्की स्वभाव का था, शक करना और
बड़ा ही अंधविश्वासी था ये। इसके मतलब फरमान ऐसे होते थे कि कोई सपना देखा और सुबह उस पर फैसला सुना दिया या उस पर कानून बना दिया, और कहता था कि रात को खुदा मेरे सपने में आते हैं, जो भी इसके भगवान सपने में आते हैं, और वो इसको ऐलान करते हैं, उस हिसाब से ये उसी ऐलान का पालन करता है। ऐसा ही एक किस्सा है लगभग 1974 से लेकर 75 का, जब 1974 अराउंड ईदी आमीन को रात में एक सपना आता है, जिसमें उसको ऐसा बोला जाता है सपने में, जैसा ये बोलता है कि इसको खुदा सपने में आते थे और बोलते हैं कि तुम्हें जितने भी प्रवासी हैं जो कि युगांडा में रह रहे हैं, सबको जो है देश छोड़ने के लिए बोलना है। और सुबह ये बाकायदा रेडियो से ये अनाउंसमेंट करवा देता है जितने भी प्रवासी हैं, यानी जितने भी बाहर देश से लोग रह रहे हैं युगांडा में, उनको मैं 3 महीने देता हूँ, 2 बैग रख के वो वापस चले जाएं अपने देश। The Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after the whole Kampala street is not full of Indians. Administration in those shops is run by the Uganda. तो ऐसा जैसे ही ये फरमान जारी करता है, लोग शुरुआत में तो उसको गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इसके बाद जब 3 महीने बाद ये प्रवासियों का कत्लेआम शुरू करता है तो और जेलों में भरना शुरू करता है, तब सारे प्रवासी 2 बैग के अंदर अपना सामान भर के चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है भारत के लगभग 1 लाख प्रवासी थे जो उस समय युगांडा से वापस जो है भारत देश आए थे, बल्कि उस समय तत्कालीन हमारी प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी और बाकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे राजनेता थे, उन्होंने दबाव भी बनाया कि किसी भी तरीके से आप ये जितने भी देश के लोग हैं इनको इस तरीके से वापस आप ना निकालें। इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ना आते हुए ईदी आमीन ने सारे प्रवासियों को बाहर निकाल दिया था। सबसे ज़्यादा जो डिपोर्टेशन हुआ था वो हुआ था भारतीय प्रवासियों का, क्योंकि ये वही भारतीय प्रवासी थे जो ब्रिटिशर्स कभी युगांडा ले गए थे मजदूरी के लिए, और इसके साथ जब वो वहाँ रहना शुरू कर दिए, अच्छे खासे संपन्न हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वहाँ देश को अचानक से छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था। तो ये इसकी ईदी आमीन की एक सनक का नेचर था। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। बोलते हैं 1979 के अराउंड ईदी आमीन जब देश पे हमला हुआ तो ईदी आमीन किसी तरीके से अपनी जान बचा के मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भाग जाता है। अब चूंकि इसको उस समय मोहम्मद गद्दाफी और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के काफ़ी सारे तानाशाह थे, उनका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट था, इसलिए इसकी बर्बरता इतनी सारी होने के बावजूद भी इस पर किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम नहीं करता था। और ज़िंदगी के जो इसके आखिरी पल हैं वो इसने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ही बिताए, और इसकी जो डेथ है वो लगभग सन 2003 में हुई। और आप देखिए इतनी बर्बरता करने के बाद भी ये व्यक्ति नेचुरल डेथ मरा, इस पर ना तो कोई केस चला, ना कोई इस पर क्राइम चला, ना कोई जेनोसाइड का इशू उठा। जब इसकी मृत्यु के कुछ साल पहले इसका एक इंटरव्यू भी हुआ था कि क्या आप इस पूरा जो भी आपने अभी तक बर्बरताएं करी, इतने लोगों को मरवाया, क्या कभी आपको इसका पश्चाताप हुआ? उसने कहा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ये कुछ यादें हैं और मैं इन यादों के साथ ही जाना चाहता हूँ। ये उसके लास्ट स्टेटमेंट थे उसके मरने के कुछ साल पहले के आखिरी इंटरव्यू में। ऐसा बोलते हैं इन 8 साल का जो बर्बरता का दौर था उसमें लगभग 6 से 8 लाख लोगों को इसने मौत के घाट उतरवाया था, इसलिए इसको मॉडर्न डे हिटलर भी बोला जाता है। और ये थी कहानी ईदी आमीन की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कोई भी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करिए। आज के लिए धन्यवाद।